आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी लाजवाब एसेसरीज जिसे कि इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी कार को मेंटेन रखने के लिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 9, एक्सपेंडेबल वर्क ट्रक। किसी भी ट्रक का साइज उसकी चेसी पर डिपेंड करता है। चेसी जितनी बड़ी होगी ट्रक का साइज भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक अपोजिट चीज दिखाने वाला हूँ जो कि काफी अलग रहती है इस कॉन्सेप्ट से। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ट्रक होता है जिसे कि खास तौर पर एक्सपेंड होने के लिए बनाया गया है। दिखने में तो ये आपको एक नॉर्मल ट्रक जैसा लगेगा, लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है और अंदर आपको एक रूम जैसा स्पेस देखने को मिल जाएगा। इस ट्रक का इस्तेमाल आप पिकनिक वगैरह के लिए या फिर सामान ढोने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जगह काफी लार्ज होती है। इसे सेटअप करना भी बेहद आसान होता है, जहां पर भी आप इसे पार्क करते हैं और जब चाहे इसे आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके का ट्रक लॉन्ग जर्नीज के लिए भी काफी बेहतर रहता है, क्योंकि जहां पर भी आपका आराम करने का मन हो तो वहां पर आप इसे पार्क करके आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जिसमें कि आप सो सकेंगे। वहीं पिकनिक वगैरह में भी इस तरीके के ट्रक काफी हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें कि आपको टेंट वगैरह सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसके अंदर ही एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8, अंडर कैरेज क्लीनर रैंप। अगर आप अपनी कार को अच्छी तरीके से धोना चाहते हैं तो इस तरीके का सिस्टम आपकी काफी हेल्प करेगा। नॉर्मल तो वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाटर स्प्रे को अगर आप मैन्युअली इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही जगहों पर पानी पहुंच पाता है। लेकिन अगर आप इस जेट स्प्रे को देखते हैं तो ये आपकी कार के हर हिस्से में पानी पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कार को इस रैंप के ऊपर से गुजारना होगा, इसमें चारों तरफ जेट स्प्रेयर लगे होते हैं। इन जेट स्प्रेयर की खास बात ये होती है कि ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते हैं बल्कि गोल गोल घूमते रहते हैं, जिससे कि पानी का फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और स्प्रे के रूप में पानी आपकी गाड़ी तक पहुंचता है और अच्छी तरीके से आपकी कार भी साफ हो जाएगी। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ आप अपनी कार्स को साफ करने के लिए बल्कि हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक वगैरह को भी साफ करने के लिए किया जा सकता है। इन जेट स्प्रे की डायरेक्शन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप बड़ी गाड़ी धो रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी कार वॉश के लिए जाइएगा तो देखिएगा कि क्या वहां पर भी इस तरीके के जेट स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, ग्लैडिएटर कार्गोनेट। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर आपने कभी गौर किया हो तो शिप्स या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह में जब भी कार्गो को लोड किया जाता है तो उसे सबसे पहले कवर कर दिया जाता है एक कार्गो नेट से। दरअसल ऐसा कार्गो की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, क्योंकि जब व्हीकल में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है तो कार्गो इधर उधर मूव करता है, जिससे कि उसके डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने कार्गो नेट का इस्तेमाल किया है तो काफी हद तक कार्गो आपका सेफ रहेगा। तो ऐसा ही कार्गो नेट देख सकते हैं आप इस वीडियो में, जो कि इस तरीके का रहता है। लेकिन दोस्तों, इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि ये नॉर्मल कार्गो नेट से काफी अलग ये होता है, क्योंकि इसमें मेश फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो कार्गो नेट्स आते हैं वो पूरी तरीके से ओपन होते हैं, बस बीच बीच में आपको उसमें स्क्वायर शेप में स्ट्रैप्स लगी हुई देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसमें मेश फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कार्गो ना तो आपको बाहर से दिखाई देगा बल्कि काफी सेफ्टी के साथ अपने डिलीवरी पॉइंट तक पहुंचता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी अपने कार में काफी सारा लोड एक साथ लेकर कैरी कर रहे हो तो कार्गो नेट का इस्तेमाल जरूर से करिएगा, जिससे कि आपका सामान सेफ्टी के साथ पहुंचे। नंबर 6, ट्रेल नेट रूफटॉप। अगर आप कार ड्राइव करके किसी लंबी ट्रिप पर जाते हैं और रास्ते में अगर आपको आराम करने का मन हो तो इस तरीके का अटैचमेंट काफी बेहतर रहेगा आपके लिए। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा हैमॉक अटैचमेंट होता है, जिसे कि खास तौर पर कार की रूफटॉप के लिए बनाया गया है। और ड्राइविंग के दौरान जब भी आपको लेजीनेस फील हो तो बस इसे ओपन करिए और लैडर के माध्यम से आप आसानी से कार के रूफ तक अप्रोच कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसमें आराम कर सकते हैं जितनी देर भी चाहें। तो काफी बेहतर और इजी टू यूज रहता है, जिसे कि आप जहां चाहें वहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। नंबर 5, बैक रिवॉल्वर रोलिंग ट्रक बैक कवर। जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उनमें आप अपने साथ काफी सारा लगेज लेकर कैरी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात उनमें ये होती है कि उनका पिछला हिस्सा पूरी तरीके से ओपन होता है और बरसात के मौसम में आपका लगेज सेफ एंड सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि पानी उस पर डायरेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहें तो एक बेड कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतर रहता है ऐसी सिचुएशन पर। इस कवर की खास बात ये होती है कि ये एक तरीके का रोलेबल कवर होता है, जिसे कि जरूरत ना होने पर आप रोल करके एकदम साइड में कर पाएंगे। और जब भी आपको जरूरत होती है एक बेड कवर की, जिससे कि आप अपना सामान सिक्योरली कहीं भी ले जा पाएं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अटैचमेंट को। मैट ब्लैक फिनिश में ये कवर एल्युमिनियम का बना होता है, जो कि पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होता है, जिसपे किसी भी वेदर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप एक पिकअप ट्रक या फिर एसयूवी ट्रक खरीद रहे हैं तो इस तरीके का रोलेबल कवर आपको जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, एआरबी स्लाइड किचन।
अगर आप कार का इस्तेमाल लंबी लंबी ट्रिप्स के लिए करते हैं और कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं तो इस तरीके का किचन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि दरअसल जब आप लंबी ट्रिप पर होते हैं तो ऐसे में आपको जरूरत होती है हेल्दी फूड की और बाहर उतना अच्छा खाना मिलता नहीं है। तो अगर आप अपना खाना खुद ही बनाना चाहते हैं तो इस किचन को इंस्टॉल करवा सकते हैं आप अपनी गाड़ी में। इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें आपको वो जरूरत की सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि आपकी किचन में होती हैं। इस सिस्टम में स्पेस मैनेजमेंट कुछ ऐसा किया गया है कि इसमें आपको मल्टी बर्नर स्टोव भी मिल जाता है और काफी सारी हिडन ड्रॉर्स भी देखने को मिलती हैं जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक आपको छोटी सी सिंक भी देखने को मिलेगी जो कि बर्तन वगैरह धुलने के लिए काफी यूजफुल रहेगी। इस सिस्टम में इनबिल्ट रहती है एक लंबी सी टेबल जिसमें कि आप खाने वगैरह का सामान तो रख ही सकते हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के तौर पर भी करना चाहते हैं तो इस चीज के लिए भी ये टेबल काफी बेहतर रहती है। तो एक मिनी किचन के तौर पर इसे डेवलप किया गया है जिसके सारे के सारे पार्ट्स फोल्डेड मोड में रहते हैं, यानी कि जरूरत ना होने पर आप इसे फोल्ड कर पाएंगे जो कि पूरी तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर ही फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के किचन को खास तौर पर बनाया गया है ऐसे ट्रैवलर्स के लिए जो कि कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक अपने घर से बाहर रहते हों। नंबर 3, पेट लोडर पोर्टेबल डॉग स्टेयर्स। किसी भी कार या फिर SUV की हाइट काफी अच्छी खासी होती है जिस पर पेट्स यूं ही नहीं बैठ सकते, यानी कि अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से उसे उठाकर कार में बिठाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली वो जंप करके कार के अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है जिससे कि आप आसानी से पेट को कार में बैठा सकते हैं। ये एक तरीके की स्टेयर्स होती है जिन्हें की पोर्टेबिलिटी के साथ आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां पर भी, जिस भी व्हीकल में आप इसे लगाना चाहें तो बस इसे उसके बगल में लगा दीजिए और डिजायर्ड हाइट पर इसे सेट कर लीजिए, जिसके बाद आपके पेट आसानी से इसके माध्यम से कार में चढ़ पाएंगे। तो इस गैजेट को खास तौर पर पेट्स के लिए बनाया गया है जिससे कि वो भी आपकी कार में आसानी से बैठकर ट्रैवल कर सकें। नंबर 2, मोबिलिटी स्कूटर लिफ्ट। दोस्तों, जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं यानी कि चल नहीं पाते तो वो ज्यादातर व्हीलचेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हीलचेयर्स के साथ कार में बैठना अपने आप में काफी मुश्किल काम होता है जिसे कि लोग अवॉइड ही करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूं जो कि ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो कि चल नहीं पाते हैं और वो बहुत आसानी के साथ अपनी कार में ट्रैवल कर सकते हैं। इसे खासतौर पर SUV ट्रक या फिर पिकअप ट्रक्स के लिए बनाया गया है जिसे कि परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके पिकअप ट्रक में। इसकी खास बात यह होती है कि जब भी आप व्हीलचेयर से आते हैं और आपको अपनी कार में बैठना होता है और अब जैसे ही बटन दबाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बाहर निकल कर आता है जिस पर बैठकर आप आसानी से कार के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और रही बात आपकी व्हीलचेयर की, तो आप उसे भी अपने साथ में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं इस गैजेट के माध्यम से। जैसे ही आप कार में बैठ जाएंगे और आप रिमोट कंट्रोल की मदद से जैसे ही आप ऑपरेट करते हैं तो पिछले हिस्से पर आपको एक रोबोटिक हैंड लगा हुआ देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए एक छोटी सी क्रेन की तरह काम करता है और वो आपकी व्हीलचेयर को उठाकर आपके SUV ट्रक में लोड कर देता है जिससे कि आप जहां भी जा रहे हैं अपनी व्हीलचेयर को साथ में ले जा सकें। इस तरीके के रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल और भी छोटी मोटी चीजों को SUV ट्रक में लोड करने के लिए किया जा सकता है जो कि एक मल्टीपर्पस ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो इस सिस्टम को खास तौर पर डेवलप किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो लोग चल नहीं पाते हैं, वो इसके माध्यम से आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे अपनी कार से। नंबर 1, नॉटिक्स रूफ रैक। ट्रैवल करते वक्त आप अपनी कार में ज्यादा से ज्यादा सामान लेकर कैरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना सामान कार की रूफटॉप पर अरेंज कर दें, जिसके लिए अक्सर आप कैरेज वगैरह लगवाते होंगे। लेकिन अगर आप एसेसरीज के तौर पर कोई परमानेंट कैरेज इंस्टॉल करवाते हैं अपनी कार के रूफटॉप पर तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा माउंट दिखाने वाला हूं जिससे कि आप टेम्परेरी उस माउंट को इंस्टॉल कर काफी सारा सामान उस पर लोड करके ले जा सकते हैं। इस माउंट की खास बात ये रहती है कि ये टेम्परेरी होता है, इसे आप जब चाहे डिटैच कर सकते हैं अपनी कार से और जब चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना भी बेहद आसान रहेगा, आप केवल 20 सेकंड्स में इसे इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। इसे खास तौर पर 5 सीटर्स छोटी कार्स के लिए बनाया गया है जिसमें कि लोग ज्यादातर परमानेंटली किसी भी कैरेज को इंस्टॉल करवाना नहीं चाहते, लेकिन टेम्परेरी रूप से ये उनके काफी काम आएगा। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाया गया किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।